आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी जानते ही हैं कि माँ भगवती का जागरण में चौकी में जो आह्वान होता है मुख्य रूप से दो तीन रागों में होता है, जैसे राग देश, पहाड़ी, ये दो मुख्य राग है जिनमें माता का आह्वान किया जाता है। और जय माता दी भैया, तो राग देश, राग पहाड़ी में मुख्य रूप से होता है, लेकिन कुछ गुणी जन लोग जो राग तोड़ी में भी करते हैं, उसको पीलू में भी करते हैं, लेकिन मुख्य है इसका राग देश आवान का। लेकिन कुछ जो मेरे भाई बंधु हैं, जब वो राग देश आवान के लिए बनाते हैं, उसमें राग पीलू को मिक्स करके जाते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता वो क्यों मिक्स करके जाते हैं, या तो उसका रूप को और सुंदर करने के लिए करके जाते हैं, या फिर और कोई कारण होगा उनका, अपने अपने उनका अनुभव होगा, या फिर उनका विचार होगा, कुछ भी है, तो वो दोनों को रागों को मिक्स करके जाते हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है, दोनों राग बहुत एक दूसरे से इतने अलग हैं कि जैसे धरती और आसमान दोनों ही अलग हैं। राग देश वो खमास थाट से है और राग पीलू वो काफी थाट से है। राग देश में सारे मापा निशा, ये उसका आरोह है, और अवरोह में आप जानते ही हैं दोनों निषाद उसका यूज होते हैं, कोमल और शुद्ध दोनों, और बाकी सारे शुद्ध सुर उसमें लगते हैं। लेकिन पीलू जब देश राग में शुद्ध गाल गंधार का यूज होता है, तो जैसे तो मेजर कोड बनेगा उसका, जो मैंने अभी देखी थी एफ शार्प से लिया हुआ है तीसरा कोड। लेकिन पीलू में क्या हुआ, पीलू में कोमल गा लगता है, तो वो माइनर कोड हो गया, तो ये तो बिल्कुल बहुत अलग हो गया, दोनों दोनों राग बिल्कुल अलग हो गए। तो सबसे पहले कोड ही अलग हो गया, तो राग डिफरेंट हो ही जाएगा अपने आप। पीलू में हम जो यूज करते हैं कोमल गा, वो कम ही उसमें यूज करते हैं, बाकी सभी शुद्ध सुर लगते हैं। लेकिन पीलू में भी कुछ अपने हिसाब से उसके इस खूबसूरती के लिए शुद्ध गा का भी प्रयोग करते हैं, इसीलिए उसको क्या नाम है, वो कभी कभी देश राग में मिक्स करके जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मैं किसी को सिखाने की कोशिश नहीं करता, मैं हमेशा यही कहता हूँ, निखिल सागर भैया जय माता दी, किसी को सिखाने की मेरी कोशिश नहीं, सभी गुणीजन है, सबका अपना अपना विचार है, सबका बजाने का अपना अपना तरीका है। लेकिन मैं पर्सनली जो मेरा रागों की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू है, हमेशा मैं जो मैं अपनी ये जो मैं एक कॉन्सेप्ट जो तैयार कर रहा हूँ अपना रागों के ऊपर, उसमें मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ रागों के अंदर डिफरेंस क्या है, उनकी धारा क्या है, उनका आरोह अवरोह क्या है, उस उनके अलंकार क्या है, रूप क्या है। तो देश और राग और पीलू राग दोनों से बहुत बहुत अलग है, दोनों के थाट अलग है, दोनों का सरगम अलग है, ठीक है, कोड अलग है। तो आइए चलिए थोड़ा सा थोड़ी नजर डालते हैं दोनों रागों के हल्के से स्वरूप पे, जो सब मुझे टूटा फूटा आता है, थोड़ा सा उसका आरोह अवरोह देखते हैं दोनों रागों के। तो देश राग का रूप जो है छोटा सा, वो मैं बजाकर आपको दिखा दूं देश राग किस तरीके से, आप सभी जानते हैं, मैं आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, फिर भी लेकिन जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए, हाँ
ये देशराग का आरोह अवरोह और छोटा सा रोह। और अब पीलू के लिए करते हैं, पीलू देखिए तुरंत कहने में पीलू का जो फीलिंग है वो बदल गई, कोड चेंज होते हैं क्योंकि उसमें कोमल का लगता है। राग पीलू हुआ आपको पता चल ही गया होगा। तो देखिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, हमें अगर हम इनको मिक्स करते भी हैं तो पता नहीं लोग कैसे मिक्स करते हैं। भैया मैं तो मिक्स नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता दोनों को। जब भी मुझे कोई बोलता भैया देश, तो मैं देश देता हूँ, कोई बोलता पीलू, मेरा अपना यही शुरू से ही नियम रहा है, जिसने मुझे जो कहा है ना मैं उसको उतना ही करके देता हूँ, एक्स्ट्रा नहीं देता। क्योंकि किसी ने अगर मुझे देश बुलाया मैं उसमें पीलू मिक्स करके दूंगा, अगर कोई अच्छा जानकार बंदा मेरे सामने खड़ा है गाने के लिए तो वो मुझे तुरंत टोक देगा, भैया मैंने आपको देश बोला बनाने के लिए, आप पीलू मिक्स करके जा रहे हो, आप मुझे देश बना कर दीजिए ना। तो मैं ऐसी नौबत आने ही की दूँ, मैं ऐसा कहने ही नहीं दूंगा किसी को। ठीक, हाँ अब देश के साथ में आप मिक्स करना चाहते हैं, अब वृंदावनी मिक्स करके जाओ, दोनों की नोटेशन सेम है, दोनों का थाट सेम है, वृंदावनी को आप मिक्स करके जाओगे देश के साथ और अच्छा लगेगा। बस कहने का यही तात्पर्य है मेरा कि हमें इन दोनों राग को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो देश राग का जो आरोह है सारे मापा निशा, अवरोह में हम कोमल निषाद के साथ चलते हैं, कोमल निषाद को लेके सभी शुद्ध स्वर लगा के साथ तो हम लेके चलते हैं। और पीलू में कोमल गंधार के साथ चलते हैं, बाकी सभी शुद्ध स्वर लेके चलते हैं, आंशिक रूप से एक शुद्ध गा भी उसमें लगा लेते हैं। तो आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं राग देश और राग पीलू पे। तो सबसे पहले फिर से राग देश, राग देश, इसमें मैंने हल्का सा वृंदावनी टच करके मैं गया हूँ। तो मैं वही करता था कि देश के साथ अब वृंदावनी को टच करके जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और फिर से राग पीलू की तरफ चलते हैं, माइनर कोड, राग पीलू हुआ। तो दोनों में जमन आसमान का फर्क है, और देश राग में आपको गाने पता ही हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं उसके अंदर, जैसे बजे सरगम हर गूंजे हर हर तरफ देश राग, मैं दूरदर्शन पे आया करता था, अब तो
सुनने में भी नहीं आता कहीं भी। और भी है, और भी बहुत से गाने हैं। राग पीलू में जो मैं भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं राग पीलू में भी, जो मुझे अभी जो याद आ रहा है राग पीलू में जो सबसे अच्छा गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है राग पीलू के अंदर, वो है मारी कोयल ने ऐसे सीखो माया मैनू याद आ दो। तो एक बार जरा उसकी तरफ चलते हैं। आपको यही समझाना था आज कि ये दोनों रागों को मिक्स करने का कोई मतलब नहीं बनता, बाकी अपनी अपनी सबकी सोच है, जो मिक्स करते हैं करें, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो करते हैं करें, नहीं करते हैं अच्छी बात है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि रागों की जो बंदिश है उसके अंदर ही रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। आप उसी के अंदर पूरा खेल कर आइए, आप पूरा उसके अंदर खेलिए। तीन साढ़े तीन सप्तक का हारमोनियम है, 5 ऑक्टेव का कीबोर्ड है आपके पास, 1 ऑक्टेव आपने लेफ्ट हैंड पे बेस कोड के लिए ले लिया, 4 आपके पास, 4 ऑक्टेव लीडिंग के लिए, तो 4 ऑक्टेव में आप पूरा खेलिए राग की सरगम में। एक्स्ट्रा सुर लगाने की जरूरत क्या, एक्स्ट्रा राग दूसरा मिक्स करने की जरूरत क्या, कोई जरूरत नहीं। मैं कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को ज्ञान बांट रहा हूँ, ना ही मेरे कोई ऐसी इंटेंशन है कि मैं किसी को सिखाऊं। मैं कभी किसी को सिखाने की कोशिश नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। तो बस एक बार फिर से मैं उसका आपको उसके रागों, दोनों के रागों के बारे में बता देता हूँ। राग देश खमास थाट से है, राग पीलू काफी थाट से है। राग देश में आरोह में सारे में अपन ईसा और अवरोह में कोमल निषाद के साथ, यानी नी कोमल लेके चलते हैं अवरोह में, और बाकी सारे शुद्ध सुर लगते उसके अंदर। और पीलू में कोमल गंधार लगता है, बाकी सारे शुद्ध स्वर लगते हैं उसके अंदर। कभी आंशिक रूप से शुद्ध ग भी उसके अंदर लगाया जा सकता है, लेकिन वो आंशिक रूप से, आप नहीं भी लगाओगे तो भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा रूप उसका बिना उसके भी बनता है। तो यही इन दोनों रागों के डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने अभी प्ले कर के भी आपको दिखाया, उनकी जाति के बारे में, उनके थाट के बारे में बताया, दोनों अलग अलग घराने से थाट से, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और मुझसे कुछ छोटी मोटी गलती हो गई हो तो ज़रूर माफ़ करें। एक बार फिर से मैं देश राग और पीलू फिर से बजाता हूँ। राग देश राग देश हुआ हल्का सा वृंदावनी टच करके, क्योंकि दोनों सेम थाट से हैं खमाज, मैंने पहले ही बोला कि दो, अगर आप मिक्स करना चाहते हो तो हल्का सा वृंदावनी को मिक्स करके जाएं देश के साथ, बाकी किसी और राग को मिक्स ना करें। आइए आप पीलू की तरफ चलते हैं माइनर कोड के साथ। Yeah.
ये राग पीलू रहा। राग पीलू बहुत हार्ट टचिंग, मतलब बहुत फीलिंग वाला राग है। ये तो मैं बस आपको पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपको सुनाई दे भी रहा है नहीं दे रहा। दोनों रागों को छोटे छोटे से रूप आपको लेकर के दिखाया मैंने, दोनों में क्या फर्क है ये भी आपको बताया। मेजर माइनर का दोनों फर्क है। मेजर माइनर का मतलब आपको पता ही है, शुद्ध गंधार जिस जहाँ प्रयोग होता है जिस सर्ग में वो मेजर कोड होता है। माइनर कोड वो होता है जिसमें कोमल गंधार लगता है, यानी का वो माइनर होता है। तो दोनों रागों में सबसे पहला कोड का फर्क है, दोनों को में थाट का फर्क है। देश राग खमास से थाट से है, पीलू राग काफी थाट से है। तो आई होप आपको समझ में आया आ गई होगी। चलिए अब मैं वीडियो खत्म करता हूँ। जय माता दी सभी।